हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बीबीटी कंप्लीट हो गई थी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चल रही थी, जिसमें मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया था कि उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, स्प्लिटिंग क्या होती है डी ऑर्बिटल्स की लिगेंड के कंपेरिजन में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को किस टाइप से एक्सप्लेन किया गया, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को किस टाइप से एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सीएफटी ये बताती है कि लिगेंड और मेटल दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट होता है वो आयनिक टाइप का होता है। लिगेंड और मेटल दोनों ही पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, जिसमें जो लिगेंड है वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज और जो मेटल होती है वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट करती है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कोई क्रिस्टल कितना ज्यादा स्टेबल होगा कितना कम स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सीएफएसई। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, किसी भी क्रिस्टल के अंदर कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, वो इस टाइप से होती है, आपको बता रखा है। अगर हम ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्स की बात करें, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उसमें 5 ऑर्बिटल हैं जिनमें से बारी सेंटर से, ये इसका बारी सेंटर नोट कर रहा हूं मैं, बारी सेंटर से ईजी ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं और टी टू जी ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं। टी टू जी 3 है और ईजी ये है, दोनों के बीच में जो गैप आता है विच इज एनर्जी गैप इज कॉल्ड डेल्टा ओ। एनर्जी गैप को हम नाम दे रहे हैं डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ को हम टेन डी क्यू पे इक्वल भी पुट कर रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू टेन डी क्यू। यहाँ पे जो आता है वो गैप आपको बता रखा है प्लस में 0.6 ऑफ डेल्टा ओ, और यहाँ पे जो गैप आता है वो माइनस में 0.4 ऑफ डेल्टा ओ होता है, ये आपको बता रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा सीएफएसई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी, टी टू जी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.4, मल्टीप्लाई बाय 0.4 और वो भी माइनस में, मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईजी, मल्टीप्लाई बाय प्लस 0.6 ऑफ डेल्टा ओ, जितना भी डेल्टा है, और प्लस में एम इंटू एन, एम इंटू एन या फिर एम इंटू पी हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, एम इंटू पी, एम इज इट इज सी एफ एस सी, एम इज नंबर ऑफ न्यू पेयर्ड, नया जो पेयरिंग होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर, एंड पी इज पेयरिंग एनर्जी, पी यहां पे पेयरिंग एनर्जी है। हम सभी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं D1 से लेकर D10 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की प्रेजेंस में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है, यहां पे माइनस 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इसको प्लस में। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी मोर नेगेटिव होगी किसी कॉम्प्लेक्स के लिए उतना ही कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो सीएफएसई है वो हमेशा ही या तो नेगेटिव होगी या जीरो होगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी किसी कॉम्प्लेक्स के लिए। सीएफएसई इज ऑलवेज नेगेटिव और जीरो। अगर किसी कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव आ रही है तो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ CFSE विल बी अनस्टेबल, मोर नेगेटिव वैल्यू अगर जितनी ज्यादा है उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल विच हैव मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ CFSE. जिस कॉम्प्लेक्स की CFSE की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उतना ही कॉम्प्लेक्स एनर्जी को ज्यादा रिलीज करेगा और ज्यादा रिलीज करेगा तो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी. तो इस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं D1 से लेकर D10 के कॉन्फिगरेशन की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में. सपोज करो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगैंड यूज कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर वीक फील्ड. तो आपको बता रखा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर वीक फील्ड लिगैंड की प्रेजेंस में D1, D2, D3 कॉन्फिगरेशन सेम होती है. D4, D5, D6, D7 डिफरेंट होती है एंड D8, D9 एंड D10 सेम होती है. तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के केस में अगर हम D1 लेते हैं तो D1 की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आएगी वो D2G1 होगी. एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे फिल होगा. D2G1 के अंदर जो CFSE की वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 1 × −0.4 ऑफ डेल्टा. पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे जीरो रहेगी क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था और अनपेड यहाँ पे कोई पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू नहीं होगी. तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू −0.4 ऑफ डेल्टा हो CFSE की वैल्यू. अगर D2 कॉन्फिगरेशन ले रहे हैं हम तो T2Z2 कॉन्फिगरेशन आ जाएगी. 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा, कोई पेयरिंग नहीं होगी. उस कंडीशन में CFSE की जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 2 × −0.4 ऑफ डेल्टा हो क्योंकि T2G में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और नई पेयरिंग भी नहीं हुई है. देन विच इज इक्वल टू −0.8 ऑफ डेल्टा. अगर D3 कॉन्फिगरेशन है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगी T2G3. D3 कॉन्फिगरेशन है तो 1, 1 एंड 1 तीन इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे. देन CFSE विच इज इक्वल टू 3 × −0.4 ऑफ डेल्टा. देन विच इज इक्वल टू −1.2 ऑफ डेल्टा. कंडीशंस अगर हम स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड की D8 कॉन्फिगरेशन देखते हैं देन सेम आएगी. तो 1, 2, 3, 4 D8 को मैं इस टाइप से शो भी कर रहा हूं यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 तीन पेयर्ड ऑलरेडी हैं. अगर वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो भी देखते हैं तो सभी में क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8 ये कॉन्फिगरेशन रहेगी D8. स्ट्रॉन्ग फील्ड की प्रेजेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वीक फील्ड की प्रेजेंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप की कॉन्फिगरेशन होगी. मीन्स T2G 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और AG होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. ये कंडीशन रहेगी. उस टाइम CFSE की जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है देन 6 × −0.4 प्लस 2 × + 0.6 ऑफ डेल्टा को दोनों को डेल्टा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. पेयर देखें तो नए पेयर कोई नहीं बना, तीन पेयर यहाँ पे थी, तीन पेयर यहाँ पे, तो न्यू कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं रहेगी. तो उस कंडीशन में आ जाएगा 6 × 0.4 माइनस में तो −2.4 ही हो गया और प्लस में 1.2 हो गया. देन इट इज −1.2 ऑफ डेल्टा, −1.2 ऑफ डेल्टा. D9 कॉन्फिगरेशन अगर देखते हैं हम तो D9 के केस में T2G 6 एंड AG 3 हो जाएगा. उस कंडीशन में CFSE की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी T2G 6 है तो 6 × −0.4 प्लस 3 × 0.6 ऑफ डेल्टा. अगर 9 देखते हैं तो 9 में इलेक्ट्रॉन की 4 पेयरिंग होगी और 9 में इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे भी 4 पेयरिंग होगी. न्यू पेयरिंग कोई नहीं बनी है उस कंडीशन में पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं होगी. देन 6 × 2.4 एंड 3 × 6 देन इट इज 0.6 ऑफ डेल्टा वो भी माइनस है. अगर D10 कॉन्फिगरेशन देखते हैं हम D10 के केस में यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाएगी, 5 पेयर हो जाएंगे. उस कंडीशन में आ जाएगा D10 के केस में T2G 6 एंड AG 4 CFSE is 6 × −0.4 और प्लस में 4 × −0.6 एंड डेल्टा ओ. देन दिस इज इक्वल टू 0.
यानी कि अगर डी जीरो कॉन्फिगरेशन लेते हैं हम तो भी सीएफएससी जीरो होती, और डी टेन कॉन्फिगरेशन ले रहे हैं तो भी सीएफएससी हमेशा ही जीरो, डी जीरो और डी टेन के केस में हमेशा ही सीएफएससी की वैल्यू इसमें जीरो। अगर हम स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड दोबारा से देखते हैं और वो भी डी फोर से लेकर डी सेवन तक की कॉन्फिगरेशन के लिए, तो सबसे पहले मैं वीक फील्ड यूज कर रहा हूं, वीक फील्ड लिगेंड के रिप्रेजेंस हम देखते हैं, तो उस कंडीशन में फोर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 डी फोर कॉन्फिगरेशन, कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहले से कोई पेयरिंग नहीं है, 1 2 3 and 4 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, देन सीएफएससी डी फोर के लिए डी टू जी थ्री हो जाएगा और ईजी वन हो जाएगा, उस कंडीशन में सीएफएससी की वैल्यू हो जाएगी विच इज 3 × -0.4 एंड प्लस 1 × 0.6 ऑफ डेल्टा ओ, कोई नया पेयर नहीं बनाया इसलिए पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं होगी, विच इज इक्वल टू 1.2 माइनस में हो गया और 0.6 प्लस में हो गया, देन -0.6 ऑफ डेल्टा ओ। D5 अगर कॉन्फिगरेशन देखते हैं हम तो एक पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, देन उस कंडीशन में 1 2 3 and 4 and 5 वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये वाली कॉन्फिगरेशन होगी, देन D5 पे आ जाएगा T2Z3 and EZ2, उस कंडीशन में सीएफएससी की वैल्यू 3 × -0.4 एंड प्लस 2 × +0.6 ऑफ डेल्टा ओ विच इज इक्वल टू 0, यानी D5 कॉन्फिगरेशन अगर वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में है तो उस टाइम में सीएफएससी की वैल्यू 0 होती है। D6 में 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होंगे, देन 1 2 3 4 5 and 6 एक पेयर पहले से था, एक पेयर लास्ट में बचा हुआ है इसलिए पेयरिंग एनर्जी एक्स्ट्रा यूज नहीं होगी, एंड D6 की कॉन्फिगरेशन आ जाएगी T2Z5 and 4 and EZ2, देन व्हाट इज द सीएफएससी व्हिच इज इक्वल टू 4 × -0.4 और प्लस में 2 × 0.6 ऑफ डेल्टा ओ, 1.6 माइनस में होगा और 1.2 प्लस में हो गया, देन इट इज -0.4 ऑफ डेल्टा ओ, एंड इन केस ऑफ D7 अगर कॉन्फिगरेशन D7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन और होगा, यहाँ पे 2 पेयरिंग हो जाएंगी और यहाँ पे भी 2 पेयरिंग हो जाएंगी, तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे भी यूज नहीं होगी, देन 1 2 3 4 5 and 6 7 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, T2Z5 and EZ2 ये वाली कंडीशन रहेगी, देन सीएफएससी विच इज इक्वल टू 5 × -0.4 प्लस 2 × 0.6 ऑफ डेल्टा ओ विच इज इक्वल टू माइनस में 2 आ गया और 1.2 आ गया प्लस में, देन -0.8 ऑफ डेल्टा, ये सीएफएससी की वैल्यू होगी, यानी वीक फील्ड लिगेंड अगर लेते हैं हम तो D0 D5 और D10 में सीएफएससी 0 होगी, पहले बढ़ेगी फिर 0 आ जाएगी घट के, फिर बढ़ेगी और फिर 0 आ जाएगी, ये वाली कंडीशन रहेगी वीक फील्ड में। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की है तो उस कंडीशन में D4 जो कॉन्फिगरेशन बनेगी वो इस टाइप से होगी, 1 2 3 and 4 चार इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, देन 1 2 and 3 and 4 यहीं पे पेयरिंग हो जाएगी, तो उस टाइम कॉन्फिगरेशन आएगी T2Z4, T2Z के अंदर चार इलेक्ट्रॉन होंगे, ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देन सीएफएससी विच इज इक्वल टू 4 × -0.4 ऑफ डेल्टा ओ, डायरेक्ट इससे हो जाएगा क्योंकि ईजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और प्लस में यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं थी और नया पेयर एक बन चुका है, प्लस में 1 पेयरिंग एनर्जी आ जाएगा, देन सीएफएससी की वैल्यू यहाँ पे हो गई 16 माइनस में 1.6 ऑफ डेल्टा ओ प्लस पी पेयरिंग एनर्जी। D5 अगर कॉन्फिगरेशन है देन उस कंडीशन में 1 2 3 4 and 5 and 1 2 3 and 4 and 5 ये वाली कंडीशन हो जाएगी, देन इट इज T2Z5 and EZ0, देन सीएफएससी विच इज इक्वल टू 5 × -0.4 ऑफ डेल्टा ओ और प्लस में 2 ऑफ पी, दो नए पेयर बने हुए हैं इसलिए 2 पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाएगी, विच इज इक्वल टू -2.0 ऑफ डेल्टा ओ प्लस में 2 ऑफ पी, ये पेयरिंग एनर्जी वैल्यू हो जाएगी। एंड D6 अगर कॉन्फिगरेशन है
तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एक पेयर पहले से बना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G6। तो इस कंडीशन में CFSC की जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 6 × −0.4 डेल्टा ओ और प्लस में 2 ऑफ पी। पेयर यहाँ पे तीन है लेकिन एक ऑलरेडी था वो ऑलरेडी एज इट इज रहेगा, नए पेयर कितने बने, दो बने, इसलिए यहाँ पे 2 ऑफ पी विच इज इक्वल टू −2.4 ऑफ डेल्टा ओ प्लस में 2 ऑफ पी, दो पेयरिंग एनर्जीज में ऐड होंगी। तो D6 की ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी एंड D7 अगर हम यूज करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये वाली कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। उस कंडीशन में T2G 6 और EG1 हो जाएगा, देन CFSE विच इज इक्वल टू 6 × −0.4 प्लस 1 × 0.6 ऑफ डेल्टा ओ और प्लस में 1, 2 पेयर पहले से हैं, 1, 2, 3 पेयर है मीन्स एक नया पेयर बना हुआ है, देन P1 विच इज इक्वल टू 24 हो गया मीन्स −2.4 हो गया और प्लस में 6 हो गया, तो −1.8 ऑफ डेल्टा ओ प्लस में 1 ऑफ पेयरिंग एनर्जी। इस टाइप से हम CFSE की कैलकुलेशन करेंगे। डेल्टा ओ की वैल्यू अगर हम गिवन है तो डेल्टा ओ पुट कर देंगे, हमें 10 dQ की फॉर्म में दी हुई है तो 10 dQ की फॉर्म में हम इसको पुट कर सकते हैं। तो कंडीशन ये रहेगी। इसी टाइप से अगर कॉम्प्लेक्स आपके पास बना हुआ है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, उसमें स्प्लिटिंग बारी सेंटर से इस टाइप से होती है, पांच ऑर्बिटल हैं, ये बारी सेंटर यूज किया मैंने, T2G ऊपर चले जाते हैं और EG नीचे आते हैं, दो EG हैं और यहाँ पे T2G। अब जो इनका गैप आता है वो डेल्टा टी है, डेल्टा टी को भी हम 10 dQ के इक्वल रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो गैप आया वो प्लस में 0.4 डेल्टा टी आया है और यहाँ पे जो गैप आया वो माइनस में 0.6 ऑफ डेल्टा टी है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी CFSE विच इज इक्वल टू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG मल्टीप्लाई माइनस 0.6 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G मल्टीप्लाई बाय 0.4 ऑफ डेल्टा टी और प्लस में n ऑफ पी। यहां पे n EG एंड T2G नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स एंड N T2G इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स में कितने उन पर डिपेंड करता है। N है नंबर ऑफ न्यू पेयर इलेक्ट्रॉन्स के नए पेयर कितने बने एंड P है यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे एडिंग हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को रोकने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए पेयरिंग एनर्जी जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए ये एंडोथर्मिक है। जबकि CFSE कैसी होती है, एक्जोथर्मिक। अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, CFSE की जो वैल्यू आ रही है आपके पास डेल्टा ओ से कैलकुलेट करने के बाद, इनकी कैलकुलेशन के बाद पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है तो CFSE यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो अनस्टेबल होगा, इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे भी 4 है, जनरली जिनमें D8 कॉन्फ़िगरेशन होती है वही जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जनरली बोला है मैंने,
क्रिएट कॉम्प्लिकेशन. फॉर एग्जाम्पल पीटी प्लस टू, पीडी प्लस टू, एनआई प्लस टू, इन सभी के अंदर कॉम्प्लिकेशन कैसी है, डी ए है. इसी टाइप से एयू प्लस थ्री, एजी प्लस थ्री में कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आएगी, डी एट आएगी. इसी टाइप से रोडियम प्लस, कॉन्फ़िगरेशन इज डी एट. इस टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन है जिनमें डी एट आता है वो जनरली स्क्वायर में कॉम्प्लेक्स बनाता है. और डी एट कॉन्फ़िगरेशन में इसकी जो स्प्लिटिंग है वो जॉन टेलर इफेक्ट आपको बता रखा है, जॉन टेलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा. ये पांच ऑर्बिटल थे, बारी सेंटर से पहले डिसोसिएट होते हैं इस टाइप से. यहाँ पे T2z and EZ orbitals होते हैं. ये center कौन सा use किया हमने, bari center use किया है, ध्यान देना. फिर इनकी splitting होती है थोड़ी सी और आगे, ये वाली condition आती है इनमें. ये tetragonal condition. उसके बाद square planar की condition आती है. ये यहां से थोड़ा सा स्प्लिट होके और ऊपर चला जाता है, ये यहां से स्प्लिट होके नीचे आ जाता है इसके. ये यहां से स्प्लिट होके ऊपर चला जाता है और यहां से स्प्लिट होके और नीचे आ जाते हैं दो. ये वाली कंडीशन होती है. यहां पे मैं इनको मिटा रहा हूं. ये जो स्प्लिटिंग पहले मैंने दिखाई है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है. कौन सी स्प्लिटिंग है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग. ये जो स्प्लिटिंग है ये टेट्रागोनल स्प्लिटिंग है और ये जो स्प्लिटिंग है ये स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग है. कंडीशन ये थी कि यहां से यहां तक का जो गैप था which is of delta O. और अब जो कंडीशन आ गई CFSC के अंदर, उसके अंदर जो गैप है यहां से और यहां तक का जो कि बारी सेंटर से डेल्टा O से ही कंपैरिजन करके ले रहे हैं, which is plus 1.23 of delta O. यहां से और यहां तक का जो गैप है which is equal to of delta O, यहां से यहां तक का जो गैप है which is plus 0.23 of delta O. यानी टोटल कितना हो गया, प्लस 1.23 of delta O. ये जो गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में विच इज माइनस बारी सेंटर से डेल्टा ओ की फॉर्म में 0.41 ऑफ डेल्टा ओ, और यहां से यहां तक का जो गैप आ रहा है विच इज माइनस 0.53 ऑफ डेल्टा ओ. ये कंडीशंस बनती है. तो उस कंडीशन में अगर देखें तो ये जो ऑर्बिट ला रहे हैं, ये जो ऑर्बिट ला रहे हैं ये आ रहा है डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड. ये वाला जो ऑर्बिट लगा ये आ गया डी एक्स वाई, ये वाला जो ऑर्बिट लगे डी जेड स्क्वायर है और ये वाला ऑर्बिट लगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है. इस टाइप की गैप होते हैं. अब जब डी एट कॉन्फ़िगरेशन है उस टाइम ये ऑर्बिट तो खाली रहता है, तो कंडीशन ये होती है कि इलेक्ट्रॉन इस टाइप से होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. टी पेयर पहले से बने हुए हैं. फाइनली जब इनमें फिलिंग होगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप की फिलिंग होती है. तो जनरली जो इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है डी एक्स वाई, सॉरी डी एक्स जेड टू इज इक्वल टू डी वाई जेड टू, डी जेड स्क्वायर टू एंड डी एक्स वाई टू. ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आती है इनकी. उस कंडीशन में तीन पेयर पहले से रहते हैं और चार पेयर बाद में हो जाते हैं, मीन्स टोटल वन पेयर बढ़ जाता है. तो एक पेयरिंग एनर्जी बढ़ जाएगी और इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. CFSE which is equal to delta O की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे 4 into 4 इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस 0.53 ऑफ डेल्टा O प्लस 2 into माइनस 0.41 ऑफ डेल्टा O एंड प्लस 2 into
0.23 ऑफ डेल्टा हो, ये तो गया टोटल, और प्लस में वन पेयरिंग एनर्जी, एक नया पेयर बना हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आती है सी एफ एस सी बी सी टू वैल्यू आ जाती है, आ जाती है -2.5 अप्रोक्स डेल्टा हो और प्लस में पेयरिंग एनर्जी, ये कॉन्फिगरेशन के लिए होती है। डेल्टा के टर्म में ही हम इसको कंसिडर करते हैं। सीएफएससी का पता कैसे चला, जो शुरुआत में सीएफएससी कैलकुलेशन किस टाइप से की गई, प्रैक्टिकली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कि जब किसी मेटलिक आयन को, मेटलिक आयन सपोज करो प्लस टू में है और मेटल भी हमने कौन सी यूज की है, टैनसन मेटल है और उसका प्लस टू आयन है, टैनसन मेटल का प्लस टू आयन है, यानी कि स्कैंडियम से लेकर हम जिंक तक यूज कर रहे हैं 3D सीरीज की मेटल है। इस कंडीशन में अगर देखते हैं तो इसको हम मेटल के आयन को अगर एक्सेस ऑफ वाटर में ऐड कर देते हैं तो वाटर के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा ही बनाएगा, और जनरली ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्स बनाता है M H2O6+2, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्स है, और प्लस में एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होती है एनर्जी। अगर ये एनर्जी देखते हैं तो इस एनर्जी को हम यहाँ पे नाम देंगे, क्योंकि हमने आयन को एक्सेस वाटर में ऐड करने के बाद जोड़ दिया है, तो इट इज हाइड्रेशन एन्थैल्पी, और ये गैसियस आयन यूज कर रहा हूं मैं, गैसियस आयन को जब एक्सेस वाटर में हम ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है विच इज हाइड्रेशन एन्थैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स 3D सीरीज है उनके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की कैलकुलेशन देखें तो इस टाइप से कैलकुलेशन आती है कि वाटर इज वीक लिगेंड, वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस कंडीशन में वीक फील्ड लिगेंड में आपको बता रखा है मैंने कि D0, D5 और D10 जो कॉन्फिगरेशन है उसकी CFSC की वैल्यू 0 होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी देखते हैं एंथैल्पी यूज किया हमने, और यहाँ पे हमने यूज किया है एटॉमिक नंबर, दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैल्शियम Ca+2 जिसकी D0 कॉन्फिगरेशन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, इस टाइप के हो जाते हैं। ये कैल्शियम से यूज किया हमने Ca+2, Sc+2, Ti+2, V+2, Cr+2, Mn+2, Fe+2, Co+2, Ni+2, and Cu+2 and Zn+2। अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर D0 है, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है D0, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है D5 है, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है D10 है। तो D0, D5 और D10 की जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है, तो उस कंडीशन में हम एक अगर लाइन ड्रा करें तो इस टाइप की लाइन ड्रा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज नहीं हुई, यहाँ पे केवल क्या एनर्जी रिलीज हुई, हाइड्रेशन एंथैल्पी। और अगर यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम के बारे में देखें तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है, तो एनर्जी का जो गैप आ रहा है इससे लाइन मिलाने के बाद जो एनर्जी का गैप आ रहा है विच इज CFSE, वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, उसी टाइप से यहाँ पे जो गैप आ रहा है विच इज CFSE, यहाँ पे जो गैप आ रहा है CFSE, यहाँ पे भी गैप आ रहा है CFSE, यहाँ पे भी गैप आ रहा है CFSE और यहाँ पे भी गैप आ रहा है CFSE, यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हुई है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हुई है। तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो नेट हाइड्रेशन एंथैल्पी जो भी यहाँ पे यूज होगी वो हाइड्रेशन एंथैल्पी एज वेल एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। तो कैल्शियम प्लस टू, मैग्नीज प्लस टू और जिंक प्लस टू, इनके लिए CFSE की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्टेनल कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि कॉन्फिगरेशन D0, D5 और D10 है, बाकी सबके लिए CFSE कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसलिए अगर एवरेज हम इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लें तो एवरेज हाइड्रेशन एंथैल्पी ये है, लेकिन एक्स्ट्रा बड़ी वो CFSE की वजह से बड़ी है। इस टाइप से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि CFSE कितनी होगी इसकी। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की।
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी क्या है। जनरली कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं किसकी वजह से होते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा कम स्टेबल होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी फॉर्मेशन कैसी है। सपोज दैट एक मेटल है प्लस एन फॉर्म में और लिगेंड हमने एक्स यूज किया है, तो एक कॉम्प्लेक्स बना विच इज एम एल एक्स प्लस एन। यहाँ पे लिगेंड है न्यूट्रल और यहाँ पे जो मेटल है मेटलिक आयन है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेशन नंबर ये कॉम्प्लेक्स बना है तो स्टेबल स्टेट बनेगा। सपोज करो कि आपके पास जो मेटल थी वो एम प्लस एन है और लिगेंड है वो फोर लिगेंड है, तो उस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एम एल फोर एन प्लस एन होगा। तो स्टेबल स्टेट किस तरह से बनेगा, इक्विलिब्रियम बनता रहेगा सभी में कि एम प्लस एन प्लस में एक लिगेंड इक्विलिब्रियम टाइप जुड़ेगा, देन इट कन्वर्ट इनटू एम एल एन प्लस एन, फिर एम एल प्लस एन एक लिगेंड से और जुड़ेगा फिर इक्विलिब्रियम बनेगा, देन एम एल टू प्लस एन, फिर एम एल टू प्लस एन एक लिगेंड से और जुड़ेगा फिर से इक्विलिब्रियम बनेगा, देन इट इज एम एल थ्री प्लस एन और फिर एम एल थ्री प्लस एन एक लिगेंड से और जुड़ेगा, देन यहां पे जो आएगा वो एम एल फोर प्लस एन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K1, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K3, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K4, ये हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बन रहा है तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है K विच इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज, ऐसा आपने इक्विलिब्रियम में देख लिया कि जो के आता है ये सभी का मल्टीप्लीकेशन होता है, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। m plus n multiplied by active mass of ligand power x की वैल्यू है। और ये जो k है which is equilibrium constant, ये k यहां पे equilibrium constant है या फिर इसी को नाम देते हैं हम stability constant। ये stability constant जिस कॉम्प्लेक्स के लिए के की वैल्यू ज्यादा होती है यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स विच हैव ग्रेटर वैल्यू के विल बी मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होगा। हम इस k को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्टेबिलिटी कांस्टेंट नाम देते हैं। इसका अगर रेसिप्रोकल ले विच इज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन k वेयर बीटा इज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड k इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो बीटा है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जिसके लिए बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होगा, जिसके लिए बीटा की वैल्यू कम होगी वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। कॉम्प्लेक्स विच कंटेन लेस वैल्यू ऑफ बीटा विच इज इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर
स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंबर वन, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री अफेक्ट करती है। बता चुका हूं मैं आपको कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्रेडिंग ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय ऑक्टाहेड्रल के। ऑक्टाहेड्रल ज्यादा स्टेबल होते हैं बजाय टेट्राहेड्रल। मींस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। And splitting depends upon geometry or coordination number, coordination number same है tetrahedral और square planar का, फिर भी square planar में ज्यादा stable होता है tetrahedral से। Delta of SP is greater than CFSC की वैल्यू है, डेल्टा ऑफ ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ टी। मीन्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसको मैं SP लिख रहा हूं इज मोर स्टेबल देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इज मोर स्टेबल देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। CFSC वैल्यू also depends upon geometry, इसलिए square planar की complex की stability ज्यादा होती है octahedral से, octahedral की ज्यादा होती है tetrahedral से। Second is नेचर ऑफ मेटल, मेटलिक नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर मेटल 3D सीरीज की है या फिर 4D सीरीज की है या 5D सीरीज की है, तो जो मेटल होती है विच इज लेविस एसिडिक, मेटल की नेचर क्या है यहाँ पे, लेविस एसिडिक। मेटल कंटेन, मेटल हैविंग लेविस एसिडिक नेचर, the complex is more stable in presence of more acidic metal। 3D series की कम acidic होती है 4D series से, 4D series की कम acidic होती है 5D series से। Means Lewis acidic nature of metals जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनाई किसी कॉन्स्टेंट लिगेंड के साथ वो ज्यादा स्टेबल हो गया बजाय 4D से, और 4D का ज्यादा स्टेबल हो गया बजाय 3D से। फॉर एग्जाम्पल NiCO4 निकल है, इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं पैलेडियम PdCO4, और इसी टाइप से बात कर सकते हैं प्लेटिनम CO4। प्लेटिनम जो कि 5D की मेटल है, ये 4D की मेटल है, और ये 3D की मेटल है। देन ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा इससे, या फिर कंपैरिजन कर सकते हैं NiCl4-2 इज लेस स्टेबल देन PdCl4-2 इज लेस स्टेबल देन PtCl4-2। ये सभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, और ये सभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, यानी सभी कॉम्प्लेक्स सेम होने चाहिए, केवल मेटल डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की सेम है, यहाँ पे निकल पैलेडियम और प्लेटिनम सभी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे निकल की पैलेडियम और प्लेटिनम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सारे स्क्वायर प्लेनर लिगेंड्स सभी में कॉन्स्टेंटली, हमने यहाँ पे तीनों में लिया साइनाइड और यहाँ पे तीनों में लिया कार्बोनिल, उस टाइप से हम बता सकते हैं नेचर ऑफ मेटल। थर्ड इज नेचर ऑफ लिगेंड,
लिगैंड की नेचर, लिगैंड की लेविस बेसिक नेचर होती है, लेविस बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एटम, मोर बेस लेविस बेसिक लिगैंड फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और ऐसा मैं बता ही चुका हूं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि कार्बन डोनर ज्यादा लेविस बेसिक होता है बजाय किससे, नाइट्रोजन डोनर से ये ज्यादा होता है, ऑक्सीजन डोनर से ये ज्यादा होता है, हाइड्रोजन डोनर से। तो हम बता सकते हैं कार्बन डोनर अगर प्रेजेंट है तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, नाइट्रोजन डोनर प्रेजेंट है तो कम स्टेबल होगा, ऑक्सीजन डोनर से उससे भी कम होगा, हाइड्रोजन डोनर से उससे भी कम होगा। ये वीक फील्ड लिगैंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की प्रेजेंस में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा बजाय वीक फील्ड लिगैंड। फॉर एग्जाम्पल FeCN6 -4 FeNH3 6 -4 सॉरी यहां पे +2 आएगा +2 एंड Fe F6 -4 एंड FeH2O पहले ले लेता हूं FeH2O6 +2 एंड Fe F6 -4। यहां पे अगर देखते हैं हम तो सभी में आयरन है, आयरन यहां पे भी +2 में है, यहां पे भी आयरन +2 में है, यहां पे भी आयरन +2 में है और यहां पे भी आयरन +2 में है, सभी में आयरन +2 में। सभी के अंदर अगर देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है मीन सभी ऑक्टेटल है। तो पहला जो पॉइंट बताया कि ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री यहां पे कोई वैरी नहीं कर रही है। दूसरा पॉइंट बताया कि मेटल अलग अलग हो तो मेटल भी यहाँ पे सब में सेम है। तीसरा जो पॉइंट है कि मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, केवल हमने लिगैंड्स चेंज किए हैं। जो इन लिगैंड्स का लेविस बेसिक नेचर है या लेविस बेसिक ऑर्डर है वो क्या है, लेविस बेसिक ऑर्डर है साइनाइड इज ग्रेटर देन अमोनिया इज ग्रेटर देन वाटर इज ग्रेटर देन फ्लोराइड, ये लेविस बेसिक ऑर्डर है। तो लेविस बेसिक ऑर्डर ये है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लेविस बेसिक ऑर्डर पे ही डिपेंड करेगा, यानी ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है बजाय इससे, ये ज्यादा स्टेबल है बजाय इससे और ये ज्यादा स्टेबल है बजाय इससे। इसी टाइप से फोर्थ नंबर पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी उसकी लेविस एसिडिक नेचर बढ़ेगी। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ मेटल इंक्रीज देन लेविस एसिडिक नेचर ऑफ मेटल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज मेटल पे होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल Fe
Cn6 minus 4 and Fe Cn6 minus 3. अगर दोनों में देखते हैं दोनों में सेंटर एटम आयरन है जो कि सेम मेटल है, दोनों में देखते हैं दोनों में लिगेंड भी साइनाइड है जो कि सेम मेटल सेम लिगेंड है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6-6 सेम है, केवल चेंज किसमें है, यहाँ पे जो आयरन प्रेजेंट है वो Fe प्लस 2 में है और यहाँ पे जो आयरन प्रेजेंट है वो Fe प्लस 3 में। लेविस बेसिक नेचर इसका, लेविस एसिडिक नेचर इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चीलेशन, बता रखा आपको कि चीलेशन से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू CFT जब चीलेशन इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी किसी कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज होती है, और चीलेशन होता है बाइडेंटेड या फिर ओरिडेंटेड ट्राइडेंटेड लिगेंड्स की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ bidentate, tri और polydentate ligands, four, five और six membered ring formed is called chelation. Stability of complex increased by chelation. Chelation से stability बढ़ती है. For example, एक complex आपने ले लिया Fe. EN3 ethylenediamine है, bidentate ligand है, plus 2. एक complex आपने ले लिया Fe EN2 H2O neutral ligand लिया हमने यहाँ पे, plus 2. एक आपने ले लिया Fe EN H2O4 plus 2 और एक ले लिया आपने Fe H2O6 plus 2. तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो bidentate ligand यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस टाइप से वेरी करेगा। ये थी यहाँ पे स्टेबिलिटी, CFT ने स्टेबिलिटी को किस टाइप से एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स को, चैप्टर कंप्लीट।